नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है, ये AmiBroker एंड MetaTrader दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो बेसिकली आज का जो मेरा वीडियो है, वो बेसिकली जो प्योरली इंट्राडे ट्रेडर है उसके लिए वीडियो है। अगर आप मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ऑब्वियसली ये वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट बन सकता है। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे पहले मेरा एक ही बात होता है, जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन। इंट्राडे में प्रॉफिट अर्निंग करने का पीछे सबसे जो इम्पोर्टेंट मैटर होता है वो है स्क्रिप्ट सिलेक्शन। अगर आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन सही रहा, देन आप मार्केट में ईजिली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर जो होता है, उसका मन में स्क्रिप्ट सिलेक्शन को लेके बहुत तरीके का कंफ्यूजन रहता है, जो किसको या किस लॉजिक का ऊपर बेस करके मैं स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करूं। मैं बहुत बंदा को देखता हूं जो टॉप गेनर टॉप लूजर का कंसेप्ट को फॉलो करता है। कोई क्लाइंट मार्केट का जो बेटा स्क्रिप्ट है उसको फॉलो करता है, वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैं देखता हूँ, सब कोई उसी को फॉलो करता है। तो बेसिकली बहुत तरीके का लॉजिक होता है, ऐसा नहीं बोलूँगा जो कोई भी लॉजिक ख़राब है, हर एक टेक्निक अच्छा होता है। अब आपको देखना पड़ेगा उसमें से भी कौन सा आपके लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद होगा और कौन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सटीक प्रेडिक्शन दे पाएगा। तो इंट्राडे जो ट्रेडिंग करता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना, जो आज के लिए कौन सा स्क्रिप्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा बहुत क्लाइंट मुझसे ये पूछते रहता है जो कौन सा स्क्रिप्ट अच्छा होता है। एक्चुअली इस मार्केट में कोई भी स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है, कोई भी स्क्रिप्ट खराब नहीं है। एवरीथिंग डिपेंड करता है उस दिन का मार्केट का ऊपर। आपका जितना भी फेवरेट स्क्रिप्ट होगा, जैसे बहुत सारा क्लाइंट का मैं यही मेंटेलिटी देखता हूँ, जो सबका एक खुद का एक फेवरेट स्क्रिप्ट होता है, जो मैं SBI में काम करूँगा या टाटा स्टील में ही काम करूँगा या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी हो। तो मेरे ख्याल से इस मार्केट में ऐसा कुछ फेवरेट स्क्रिप्ट नहीं रखना चाहिए। ऑब्वियसली आप उसको फेवरेट रखिए, मगर सिर्फ कोई एक स्क्रिप्ट का भरोसा में काम करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जो भी फेवरेट स्क्रिप्ट है वो चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, 22 डेज वर्किंग डेज होता है, कभी भी वो स्क्रिप्ट डेली सेम परफॉर्मेंस देना पॉसिबल नहीं होता है उस स्क्रिप्ट के लिए। तो हो सकता है देखिएगा किस दिन वो मार्केट पूरा चॉपी कर देता है, उसी टाइम आप उसमें लॉस खाते हैं। बेसिकली बंदा फ्रस्ट्रेट होकर लॉस खाता है, 90% क्लाइंट मैं जो देखता हूँ मार्केट में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसके बाद वो लॉस खाता है। मतलब सोचिए, आप एक कोई स्क्रिप्ट सिलेक्ट किए, आप उसमें ट्रेड किए हैं, सुबह 10 बजे एंट्री ले लिए, दोपहर 2 बजे तक बैठे हैं, कोई भी मोमेंटम आपको नहीं मिल रहा है, तो बंदा क्या होता है, जो भी वैल्यू मिल रहा है वहीं से प्रॉफिट लेके निकल जाता है या लॉस में ही निकल जाता है। तो दैट इज़ द वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट सबके अंदर ही मैं देखते रहता हूँ। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन सही होगा इस मार्केट के लिए, देन आप इजीली इस मार्केट में अर्निंग कर सकते हैं। अब स्क्रिप्ट सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बेसिकली जो स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हैं इंट्राडे के लिए, वो टोटली ट्रेंडी स्क्रिप्ट होता है। ट्रेंडी स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, ट्रेंडी स्क्रिप्ट मतलब जो कोई एक तरफा, एनी वन डायरेक्शन, कोई एक तरफा लंबा प्रॉफिट देके जाए। देखिएगा 3:30 बजे के बाद अगर आप बहुत सारा स्क्रिप्ट को खोलेंगे वन बाय वन, तो आपको दिखाई देता है जो आज को शायद निफ्टी सुबह से लेकर 3:30 बजे तक गिर गया, या टाटा स्टील सुबह से लेकर 3:30 बजे तक उठ गया। तो इस टाइप का बहुत सारा स्क्रिप्ट दिखाई देता है, मगर अब तक 3:30 जब हम लोग चार्ट को खोलते हैं। तो अगर सोचिए ऐसा कुछ टेक्निक आपको मिले जो आपको उसी टाइप का स्क्रिप्ट का सिलेक्शन सुबह को ही दे दे, जैसा देखिए उसी का एक रिजल्ट आपका सामने दिखाई दे रहा है, ये जो रिपोर्ट कार्ड, ये रिपोर्ट कार्ड उसी का ही टेक्निक है। ये जो रिपोर्ट कार्ड है हम लोग डेली मॉर्निंग को बनाते हैं, और ये विद इन 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का अंदर आपका पास रहेगा, जिसमें देखिए किस हिसाब से काम करना पड़ता है। इस ये आज को 29 नवंबर का एक लिस्ट है। सबसे पहले देखिए जो रो दिया गया उसमें कुछ स्क्रिप्ट का नाम लिखा गया, तो हम लोग उसी टाइप का स्क्रिप्ट को चूज करते हैं जो कोई एक तरफ डायरेक्शन का तरफ भागने का कोशिश करेगा। ओनली दैट टाइप ऑफ स्क्रिप्ट जो आपको 3:30 बजे का बाद पता चलता है, उस टाइप का स्क्रिप्ट हम लोग मॉर्निंग को ही फिल्टर करते हैं। तो पहले देखिए उसका दिया हुआ है, देखिए जिसका बगल में आई रहेगा वो फ्यूचर का सेगमेंट है, जिसका बगल में आई नहीं है वो इक्विटी का। तो ये हुआ फर्स्ट। अब उसका बगल में देखिए उसका प्रायोरिटी लिखा हुआ है। प्रायोरिटी मतलब क्या है, जो कोई एक डायरेक्शन में भागेगा, मगर कौन सा डायरेक्शन, हो सकता है ऊपर का तरफ भागे या नीचे का तरफ भागे।
तो उसका प्रायोरिटी लिखा गया, जो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्लिक सेल दिया हुआ है, देखिए ऑब्लिक देके सेकंड प्रायोरिटी, मतलब जिसका फर्स्ट प्रायोरिटी सेल होगा ऑब्वियसली बाय होगा सेकंड प्रायोरिटी, अगर किसी का फर्स्ट प्रायोरिटी बाय होता है तो सेकंड प्रायोरिटी सेल होगा। उसके बाद वाला जो रो दिया है उसमें कुछ वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये आपका बाइंग का ब्रेकआउट पॉइंट है, मतलब अगर आप बाई करना है तो ये वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है, जो ये जो वैल्यू है ये सारा वैल्यू दिखाई दे रहा है, इसको ब्रेक करने का बाद ही उस क्रिप में आपको बाई करना है। सेकेंड और रो जो है वो सेलिंग का प्रायोरिटी है, मतलब इसको ब्रेक करने का बाद ही आप सेलिंग में फोकस कीजिएगा, उसका पहले नहीं। और लास्ट में देखिए एक रो दिया गया जिसमें लिखा है टेक डिसीजन आफ्टर 9:45। तो 9:45 ही क्यों? देखिए ऐसा तो कोई टाइमिंग नहीं होता है मार्केट में, फिर भी टेक्निकल एनालिस्ट का हिसाब से फर्स्ट हाफ एन आवर मार्केट को देना चाहिए, वो कोई भी एक डायरेक्शन को पकड़ेगा उसके लिए। कोई कोई 45 मिनट भी बोलता है, मगर बेसिकली मिनिमम 30 मिनट आपको वेट करना चाहिए उसका डायरेक्शन पकड़ने के लिए। अब मैं देखिए यही जो रिपोर्ट कार्ड है इसको मैं वन बाई वन लाइव मार्केट का साथ मैच करके दिखाता हूँ। सबसे पहले येस बैंक है, आई है और आई नहीं है, मतलब कैश फ्यूचर दोनों के लिए है। तो देखिए ये येस बैंक का चार्ट आपका सामने देखिए फर्स्ट खुला हुआ है, ऊपर में इसका डेट टाइमिंग सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर मार्केट येस बैंक ने आज को ओपन हुआ था और आपको दिखाई दे रहा है ये 3:30 बजे तक एक लंबा प्रॉफिट दे गया है डाउन ट्रेंड में। तो इस तरीका का सिचुएशन में क्या होता है, आप सेफली अर्निंग कर पाएंगे, इसका मतलब है ये रिवर्स करने का चांसेस बहुत कम होता है। और इसमें आप कहीं भी कुछ भी पोजिशन में एंट्री लेने के बाद आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग हो सकता है, मतलब आप कहीं पर भी अर्निंग निकाल सकते हैं अपना। अब उस हिसाब से देखिए और भी दो एक दो स्क्रीन में दिखाता हूँ, जैसे उसमें देखिए देख लीजिए वर्क फर्मा है, विप्रो है, अल्ट्राटेक सीमेंट है। आप देखिए मैं इसको यहाँ पर सबसे पहले वर्क फर्मा को लगाता हूँ। देखिए वर्क फर्मा का यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया था, वर्क फर्मा में बताया गया तो फर्स्ट प्रायोरिटी बाई है, मतलब ऊपर जाने वाला है। देखिए ये सेल था येस बैंक, मगर इसका फर्स्ट प्रायोरिटी वर्क फर्मा बाई बताया गया था, उसका वैल्यू भी बताया गया था 254.70, मतलब इस वैल्यू का ऊपर ही आपको बाई करना है। तो अगर मैं वर्क फर्मा का चार्ट देखता हूँ, देखिए सुबह से ये टोटली फ्लैट था, ये फर्स्ट कैंडल है जिसका ऊपर मैंने सोचिए क्लिक किया हूँ, ये फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पर टोटली फ्लैट था। अल्टीमेट देखिए ये हाई मारा, इसका लंबा हाई मारा। तो उसका बाद देखिए क्या स्क्रिप्ट है, उसका बाद देखिए आपको दिखाई देगा अल्ट्राटेक सीमेंट है एंड विप्रो है, दोनों में डाउन प्रायोरिटी है। अल्ट्राटेक सीमेंट को भी अगर मैं देखता हूँ, अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए ये टोटली आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके पूरा मार्केट अच्छा डाउन ट्रेंड में लेके देखा गया है, अच्छा खासा प्रॉफिट। और था आपका देखिए टाइटन में था, टाइटन में भी सेलिंग का कॉल दिया था, टाइटन भी अगर मैं लगाऊंगा टाइटन का फ्यूचर में, देखिए टाइटन भी देखिए ये आज का सारा दिन ओवरऑल देखा जाएगा तो इसका पोजीशन डाउन ट्रेंड में ही है। उसका बाद अगर देखेंगे देखिए बहुत सारा है ऊपर में, सीमेंस है, रिलायंस है, रेमोंड है, देखिए सीमेंस को लगाता हूँ, और सीमेंस में देखिए अच्छा ये देखिए सीमेंस का चार्ट है, ये शायद आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल यहाँ पर हुआ है, टोटली डाउन ट्रेंड है। रिलायंस में दिया गया था, रिलायंस पे देखिए अच्छा मोमेंटम किया है, देखो मैं देखिए रिलायंस का एक बहुत लंबा एक मोमेंटम देखे गया रिलायंस में। और क्या है, और देखिए रेमोंड में दिया गया था, तो रेमोंड का चार्ट खोलते हैं। रेमोंड में देखिए, रेमोंड देखिए मॉर्निंग हाफ में गिरा था, उसका बाद अंत में मतलब कितना बजे का बाद लगभग 250 का कैंडल है, उसका बाद ही मोमेंटम ऊपर गया, मगर इसका अंदर आप कहीं पर भी आप अपना मिनिमम एक प्रॉफिट तो अर्निंग कर ही सकते हैं। जो देखिए इतना सारा स्क्रिप्ट है सभी लगभग चला, सिर्फ हम लोग का जो अच्छा नहीं चला वो है टीवीएस मोटर, टीवीएस मोटर का भी जो खराब चला है उसको भी मैं दिखाता हूँ। टीवीएस मोटर ने बताया गया था बेसिकली, टीवीएस मोटर बताया गया था आपका बाय करने का सिचुएशन बताया गया था, जो टीवीएस मोटर में बाय करना है, मगर टीवीएस मोटर खास कुछ मूवमेंट अप दिया नहीं, सारा दिन ये फ्लैट करके छोड़ दिया है, फिर भी लास्ट में थोड़ा सा ऊपर उठा था मगर कुछ खास ऊपर नहीं गया। तो बोलने का मतलब है ये जो टेक्निक है ये टोटली यूनिक टेक्निक है। आप सोचिए अगर ऐसा आपको पहले ही पता चल जा रहा है जो सारा दिन कैसा मोमेंटम हो सकता है, उसका एजुम्पशन, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जो डेली जितना कॉल आएगा उतना ही हिट करेगा, क्योंकि उस तरीके का कोई टेक्निक मार्केट में है ही नहीं, और उस तरीके का कोई थ्योरी भी नहीं है जो उस थ्योरी का अप्लाई करिए और डेली आपको प्रॉफिट आता रहे। तो ऑब्वियसली मार्केट में बहुत सारा टेक्निक है और ये टेक्निक हम लोग को लगता है बहुत ही सेफ और बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कोई एक डायरेक्शन का स्क्रिप्ट को वो फिल्ट्रेशन करता है, जो कोई एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली प्रॉफिट देके जाए तो आपके लिए ज़्यादा सेफ्टी होता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये टेक्निक अच्छा लगा और पूरा यूनिक भी लगा है।
अगर आपको इस टेक्निक रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए या जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरा ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है, अगर नंबर बिजी रहा तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। और इसका साथ साथ अगर मेरा इस मार्केट रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपको देखना है तो आप जस्ट यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए राहुल सकर शेयर मार्केट। तो हम लोग बेसिकली बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं, उसका साथ साथ एक टेक्निक भी देते हैं। तो ये टेक्निक अगर आपके पास रहेगा तो कोई भी एक अच्छा इंडिकेटर अगर आप इसका साथ साथ उसको मार्च करके थोड़ा कंबाइन करके काम करेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। अगर आप मेरा वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम भी ऐसा वीडियो कंटिन्यूसली दिखता रहे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, वीडियो को देख रहे हैं और ये फैसिलिटी ऑब्वियसली आपको मिल रहा है तो काइंडली सर आपके लिए एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, जो आप भी काइंडली इसका ऊपर कमेंट कीजिए ताकि मेरा जो न्यू क्लाइंट है उसको भी इसका रिस्पॉन्स मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाई।